आलाप आपको स्वयं से विलग करता है, आप स्वयं से अलग हो जाते हैं। जीवन में जितना नुकसान हमारी आसक्तियों ने हमें किया है, उतना किसी दूसरी चीज ने नहीं किया। सदैव हमने उच्चता के स्वप्न तो देखे हैं, लेकिन उसके लिए सन्निष्ठ प्रयास नहीं किया, और कई बार हम अपने प्रयास में दोष भी देखने लगे। तीन तरह की ईष्णाएं बताई हैं। पुत्तेष्णा, कि पुत्र के लिए अनंत चाह, पिता जितना पुत्र से प्यार करता है, धरती पर एक ही है जो आपको अपने से आगा आगे देखना चाहता है, पिता, सिर्फ एक जो आपको अपने से आगे देखना चाहता है, जो वो नहीं कर सका या जो उसकी करने में गुंजाइश रह गई, उसके लिए सिर्फ एक है कि तू उसे कर सकता है। पुत्तेष्णा, वित्तेष्णा, धन की अनंत चाह, कि अनंत धन हो, मैं सब कुछ कर सकूं, और वो अनंत है। जब थोड़ा होता है तो कुछ ज्यादा चाहिए होता है, जब लाख होता है तो एक करोड़ चाहिए होता है, और एक करोड़ होता है तो दो करोड़, और फिर अनंत है उसकी यात्रा। कभी एक छोटा सा घर दो कमरे का और भगवान ने कोठी दे दी, तो फिर दूसरी कोठी भी चाहिए। फिर परिचय यह है कि हमारी हर शहर में एक कोठी है। वित्तीषणा, वैभव। और तीसरी एक और आसक्ति है, एक और ईष्णा है जो इन दोनों पर भारी है, वो है लोकेष्णा। धन आ गया, वैभव आ गया, पुत्र आ गया, कुटुंब भी आ गया। अब एक तीसरी इच्छा होती है कि लोकेष्णा, मेरी लोक में ख्याति हो, मेरी कीर्ति हो, लोग मेरा यशगान करें। आई वॉन्ट टू बिकम टॉक ऑफ द सोसाइटी, टॉक ऑफ द पार्टी, टॉक ऑफ द डे। मैं कहीं भी जाऊं तो मेरी चर्चाएं हो। यदि मैं कहीं पार्टी में प्रवेश किया तो आई वॉन्ट टू स्टिल द शो ऑफ सोसाइटी, मैं वहां उपस्थित सोसाइटी के आकर्षण को चुरा लेना चाहता हूं। तो लोकेष्णा एक बहुत बड़ी बीमारी भी है। किसी को सारा दिन भोजन न दीजिए, लेकिन उसकी प्रशंसा कर दीजिए कि आज तो आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, तो उसे भोजन की आवश्यकता नहीं, जो लोकेष्णा का आसक्ति है। कई लोगों को कंचन और कामिनी छू नहीं पाई, लेकिन कीर्ति उनसे कभी बिलग नहीं हो पाई। बड़े बड़े संत महात्माओं की कुटिया में भी ये दर्शन देखने को मिला कि कंचन और कामनी से वो कोसों दूर रहे, लेकिन कीर्ति उनके आंगन में नाचती हुई मिली। एक क्षण के लिए भी वो कीर्ति से अपना मोह दूर नहीं कर पाए। कंचन और कामनी से तो वो बिलकता प्राप्त कर गए, लेकिन कीर्ति, संतों ने कीर्ति को सूकरी की भ्रष्टा कहा। संस्कृत के विद्वान इसका अर्थ समझ लेंगे, सुकरी की भ्रष्टा। तो इस कीर्ति से किनारा करना पड़ेगा, तब आप अपने अंतःकरण में जाएंगे, अन्यथा हर दिन जीने का एक अलग आपका मायना रहेगा। आप इसलिए वस्त्र धारण करेंगे कि कोई मेरी प्रशंसा करे, आप इसलिए उच्च स्वर में कोई बात कहेंगे कि कोई आपकी बात को ध्यान से सुने, आप कहीं इसलिए शायद बड़ी दक्षिणा देंगे कि कोई लोग आपको देखें, कहीं हो सकता है आप सेवा करना चाहते हैं लेकिन लोग क्या कहेंगे कि मैं ऐसे छोटे आदमी की सेवा कर रहा हूं, तो हो सकता है आपके हाथ से पुण्य खिसक जाए। तो यदि तो आप लोकेष्णा भिक्षुक हैं, यदि तो आप कीर्तिक भिक्षुक हैं, तो फिर आपका हर कार्य कीर्ति से बंधा हुआ होगा। हर कार्य आप ये सोच के करेंगे कि मेरे इसके करने से मेरी कीर्ति कितनी होगी, मेरी ख्याति कितनी होगी।
लेकिन आज इस धरती का पहला राजा वो ये सोच रहा है कि मेरे बाद मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा, पुत्तेष्णा, ऐसी आसक्ति। पहला राजा जिसके अलावा इस धरती का कोई राजा नहीं है, संपूर्ण धरती स्वर्ण की बड़ी बड़ी खजाने, हीरे जवाहरात के बड़े बड़े पर्वत, नदियां, एक अकेला महल, एक अकेला राजा जिसके घर शिव स्वयं आते हैं, ब्रह्मा जिसके रिश्तेदार हैं, जिसके बाबा हैं। लेकिन आज वो राजा उद्यान में बैठा अकेला रो रहा है। उद्यान पा अपने महल के उद्यान में बैठा अकेला रो रहा है, उत्तरीय से अपने आंसू पहुंच रहा है, अपने मुख को छुपाकर अपने आंसुओं को धीरे से पहुंच रहा है कि कोई कहीं देख न ले कि राजा रो रहा है। तो उत्तरीय में छुप के अपने आंसू साफ कर रहा है, लेकिन एक अनुचरी से वो छुपा ना सका। एक अनुचरी ने उसे रोते हुए देख लिया, बड़ा आश्चर्य हुआ कि राजा रो रहा है जिसे कोई कष्ट नहीं है, जिसके यहां इंद्र यम वरुण कुबेर मिलने के लिए लालायित रहते हैं, जिसके महल के बाहर देवता पंक्तिबद्ध होकर खड़े रहते हैं, प्रजापति जिससे मिलना चाहते हैं, ब्रह्मा कभी आके उसे चुम्बन कर देते हैं, ऐसा वैभव का स्वामी पुत्तेष्णा के वशीभूत होकर रो रहा है। तूने केवल अपना ही दुख देखा है, सचमुच तैने कितना कम देखा है। तूने यदि किसी और का दुख भी देखा है तो सचमुच तैने कुछ कुछ देखा है। उसे पूरी अपनी प्रजा अपना बालक नहीं लगी, उसे अपने संबंधी देव अपने बालक नहीं लगे। दशरथ को तो चौथे पंत तक ये याद नहीं आया कि मेरा कोई पुत्र नहीं है। वो प्रजा को वात्सल्य भाव से देख रहा था। आयु के चौथे पन में गुरु को याद दिलाना पड़ा, लेकिन धरती का पहला राजा उत्तानपाद इसलिए रो रहा है कि मेरा कोई पुत्र नहीं है। एक शिष्य अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव भगवान कब मिलेंगे, कितनी देर लगती है? तो गुरु उस समय घोड़े पे बैठ के कहीं जा रहे थे, तो घोड़े पे चढ़ ही रहे थे उसी समय शिष्य ने ये प्रश्न कर दिया, गुरुदेव ये भगवान कब मिलेंगे, कैसे मिलते हैं? तो गुरुदेव घोड़े से नीचे आ गए और उसके कंधे पे हाथ रख लिया, बोले भगवान से मैं इस घोड़े पर चढ़ रहा हूं और उतर रहा हूं, इतनी देर में मिल जाएंगे? नहीं नहीं, मैंने कुछ ज्यादा समय कर दिया। बोले कि भगवान तेरे पलक झपकने की देर में मिल जाएंगे, तू जितनी देर में पलक झपकता है उतनी देर में भगवान तुझे मिल जाएंगे। फिर गुरु को लगा कि नहीं, मैंने कुछ ज्यादा समय दे दिया, इतने भी तो देर नारायण नहीं लगाते आने में। गुरु ने कहा कि तू जिस पल सोच लेगा कि भगवान से मिलना है उस पल नारायण तुझे मिल जाएंगे, अगला पल नहीं लगाएंगे।